हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11 एंड 12, जहां पे हम एनसीआरटी के डिटेल सॉल्यूशंस जानते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री की क्लास 11 की एनसीआरटी का सबसे पहला चैप्टर व्हिच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.27। ये क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। अब बेसिक यूनिट्स का क्या मतलब है? बेसिक मींस द एसआई यूनिट्स। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं विद द यूनिट्स आपको, और आपको उनको कन्वर्ट करना है उनकी एसआई यूनिट्स में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होती है। तो दिस इज वन टेबल जिसमें सारी एसआई यूनिट्स मेंशन है। सो देयर आर सेवन बेसिक यूनिट्स जिनको सेवन एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। और बाकी की सारी यूनिट्स कैसी होती है? डिराइव्ड यूनिट्स होती है। जैसे कि मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, जो इसकी एसआई यूनिट है। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, टेम्परेचर की है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एम्पियर में, टाइम सेकंड्स में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, सारे एसआई यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। और इसके बाद कन्वर्जन। अब कन्वर्जन टेबल भी आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10^-2 मिलीमीटर्स होते हैं 10^-3, पिकोमीटर्स होते हैं 10^-12, नैनोमीटर्स होते हैं 10^-9। तो ये पूरी कुछ आपकी टेबल है, ये टेबल भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड कन्वर्जन टेबल। ये आपके एनसीईआरटी में जगह जगह इस पर क्वेश्चन है, और ये टेबल भी गिवन है आपके एनसीईआरटी में। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों टेबल यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 28.7 पिकोमीटर, 28.7 पिकोमीटर। अब सबसे पहले जान लेते कि पिकोमीटर है इसका मतलब दिस इज द लेंथ। लेंथ के बारे में बात हो रही, और लेंथ की एसआई यूनिट अभी हमने देखी थी, लेंथ की एसआई यूनिट वाज मीटर। तो इस सब को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं 28.7 पिकोमीटर। 28.7 पिकोमीटर विल बी हाउ मेनी मीटर्स, करेक्ट। अब इसके बाद हमें पता है कि 1 पिकोमीटर में 10^-12 मीटर्स होते हैं। तो फिर 28.7 पिकोमीटर्स में कितना होगा? 28.7 इनटू 10^-12 मीटर्स हो जाएगा। और इसको लिखने का एक और तरीका है, इफ आई मूव द डेसिमल पॉइंट 2.8, विच इज अ वेरी गुड वे, दिस इज अ बेटर वे टू राइट द साइंटिफिक नोटेशन, इनटू 10^-12 हाउ मच, अब कितना होगा। सो कैन यू सी गाइस कि मैंने यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव किया है आपका 1 पॉइंट टू द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपकी पावर होती है इंक्रीज। तो -12 + 1 कितना होगा? -11। इसीलिए यहाँ की पावर आ जाएगी -11, और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर, 2.87 इन 10^-11 मीटर्स। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, विच इज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट मी अगेन टेक आउट माई फेवरेट येलो पेन। तो सेकेंड पार्ट है आपका 15.15 पिकोमीटर। दिस इज अगेन गिवन द लेंथ। ये फिर से लेंथ दी है, तो फिर से हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। दोबारा से पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-12 मीटर्स, राइट। अब 15.15 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 15.15 इंटू 10^-12 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोबारा से इसको बेटर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैं ये डेसिमल पॉइंट मूव करूंगी टू द लेफ्ट, 1.515 इंटू 10^-12। अब क्योंकि मैं लेफ्ट में गई हूं तो नंबर होगा ये वाला इंक्रीज। तो -12 से बड़ा नंबर होता है -11, तो यहाँ पे आएगा -11 मीटर, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट मूव किया है। इसीलिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल पावर है 12, वो भी एक से ही बढ़ेगा। अगर मैं 2 डेसिमल पॉइंट मूव करती तो हमारा एक्सपोनेंशियल पावर 2 से बढ़ता, +2 हो जाता, +3 हो जाता, ऐसे चलता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड दोबारा से देख लेते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है 25365 mg। mg हमें पता चल गया ये मास है,
और मास की SI यूनिट होती है केजी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मास की SI यूनिट इज केजी, लेंथ की इज मीटर। तो अब हमें उस नंबर को कन्वर्ट, विच वॉज 25365 mg, को कन्वर्ट करना है हमें केजी में। तो हमें पता है कि 1 mg में कितने ग्राम्स होते हैं, 10^-3 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 10^-3 केजी होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 25365 mg में कितने केजी होंगे, 25365 × 10^-6 केजी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें मैं डेसिमल पॉइंट फिर से मूव कर सकती हूँ, अगर मैं डेसिमल पॉइंट मूव करूंगी, लेट मी चेंज द पेन कलर टू रेड। जैसे मैं डेसिमल पॉइंट मूव कर रही हूँ, नंबर 1, 2, 3, 4 डेसिमल पॉइंट्स मूव कर रही हूँ, 2.5365 किस डायरेक्शन में मूव किया मैंने, लेफ्ट। जब लेफ्ट में मूव किया है तो नंबर होगा इंक्रीज, मतलब कि प्लस 4 करना पड़ेगा मुझे, 1, 2, 3, 4। तो -6 + 4 हो जाएगा 10^-2 kg will be your final answer। समझ आया कि कैसे करना है, सो इजी पीजी। थोड़े से कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखने हैं, SI यूनिट्स क्या होती है वो पता होनी चाहिए, एंड दिस क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व। आई होप इस समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।